रेगुलर मैंने लिया है बॉडी को, प्लेनर एक ऑब्जेक्ट को लिया है रेक्टेंगुलर शेप का रेगुलर, और ये इरेगुलर। इरेगुलर मतलब इसे रैंडमली मैंने कट किया हुआ है इधर उधर से। अब इसका भी सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये ट्रंकेटेड बॉडी है, कट करके निकाला हुआ है इसका पार्ट, और ये रेगुलर बॉडी, दोनों का सेंटर ऑफ मास मैं एक ही मेथड से निकालने वाला हूँ। पहले रेगुलर बॉडी का देखते हैं कैसे निकालते हैं, फिर इरेगुलर बॉडी का भी करेंगे। तो इसके लिए आपको इसमें इस रेगुलर बॉडी में कहीं भी दो कट लगाना है, यहाँ पे या यहाँ कहीं भी लगाएंगे, और एक पॉइंट से इसको हैंग करना है, जहां पे आप इसने इसके पार्ट को रिमूव किया है वहां से इसको हैंग करना है। आप ऐसे टेढ़ा भी हैंग करेंगे तो ये अपने आप ऐसे इसको छोड़ देंगे, तो अपने आप कुछ समय के बाद ये रेस्ट पे ऐसे आ जाएगा। जैसे ही ये रेस्ट पे आया, आप मोबाइल का ये चार्जर है मेरा, चार्जर वाले वायर के थ्रू इसको एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है, ऐसे इसको हैंग करेंगे यहाँ से, तो ये पूरा वर्टिकली एकदम आकर रुक जाएगा वर्टिकली, और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है मार्कर के हेल्प से, मैंने पहले से कर रखा है। फिर और कोई भी पॉइंट इस पे, दूसरा पॉइंट पे कट यहाँ पे लगाइए, और उस पॉइंट के अबाउट भी इसको ऐसे हैंग कीजिए। फिर ऐसे कैसे भी आप करेंगे, ये रुकेगा आकर एक ही पोजिशन पे, आके रुक जाएगा यहाँ ऐसे। फिर रुकने के बाद वही इस पॉइंट से वायर को लेंगे, और ये जिस लाइन के अलॉन्ग वर्टिकल वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग आकर रुका है, यहाँ से एक दूसरे कलर से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूंगा। इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा। तो आप बोलेंगे सर इनका सेंटर ऑफ मास तो मुझे पहले भी था, डायगोनल बाइसेक्टर पे आता, इरेगुलर बॉडी का करके दिखाइए तब माने, तो इसे मैं हटा देता हूँ वो। और आपके सामने ये इरेगुलर बॉडी का ये देख सकते हैं, इसका डिफरेंट टाइप का मैंने लिया हुआ है, डिफरेंट टाइप का कटिंग इसमें किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, तो ये भी बिल्कुल इसी मेथड से होने वाला है। इसमें भी देखिए मैंने बहुत सारा इधर उधर इसमें पोर्शन रिमूव किया हुआ है, इसमें से कोई भी एक रिमूव पोर्शन से इसको हैंग कर देना है। ये रहा, ऐसे मैंने हैंग कर दिया। हैंग करने के बाद एक पेन लेंगे मार्कर, और इसको वर्टिकल हैंग कर देंगे, ऐसे वर्टिकल लाइन बनेगी। अब इसके थ्रू एक लाइन मुझे ड्रॉ करना है सीधा, जिधर जिधर वायर जा रहा है उधर उधर देखिए लाइन ड्रॉ कर देना है। ये लाइन रहा एक रेड कलर से मैंने ड्रॉ कर दिया ये लाइन, ठीक है। सेकेंड कैसे करना है, सेकेंड के लिए दूसरे कलर का मार्कर मैं लूंगा, और किसी दूसरे पॉइंट से यही काम करना है, किसी भी दूसरे पॉइंट से, यहाँ से या यहाँ से, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से इसको मैं फ्री छोड़ दिया। आप कैसे भी ऐसे भी करके छोड़ेंगे, ये देखिए घूम फिर कर ऐसे, ये एक दो बार ऐसे करके और एक पोजिशन पे आके रुक जाएगा। जिस पोजिशन पे भी आके रुकेगा ये, जिस पोजिशन पे भी आके फिर से देख, ये मैं कर रहा हूँ ऐसे फ्री छोड़े, या अगर एक पोजीशन पर रुक जाए जहां पे रुका वहां से एक वर्टिकल वर्टिकली एक वायर को हैंग करना है, और इसके अलोंग लाइन ड्रॉ कर देना है। इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया इसी पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। कितना आसान मेथड है ना सेंटर ऑफ मास निकालने का, इस तरह से आप किसी भी रेगुलर या इरेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास आसानी से फाइंड कर सकते हैं।